ऊपर का भी अच्छा भी ज्यादा खूबसूरत बना हुआ है। ये वाली कौसर को सबसे ज्यादा ना यहाँ की लाइटिंग बहुत अच्छी लगी। सबसे मुश्किल टास्क अब आपका आ गया है। हम तुम्हारे बेबी का बैग लेकर आ गए। यहाँ की लाइटिंग देखो। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सारे के साथ ठीक होगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ और अभी कोई 3 बजे का टाइम है और मुझे तो है इफ्तारी की दावत मिली हुई है, रोजे की दावत है। तो मम्मा भी उधर छोड़ने जा रही हैं। मम्मा को एकदम मैंने जल्दी जल्दी उठाया है और मम्मा ने 2 मिनट लगाया गाड़ी बाहर निकाल के, मम्मा रोड पर भी आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, बस मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, आवाज़ भी मेरी चेंज हो रही है, इस वजह से गले में काफ़ी पेन है और ऐसा बुखार वाली थोड़ी तबीयत हो रही है, फ्लू भी हो रहा है ना। आज मुस्तफ़ा के दोस्त ने बोला था कि उसको घर पर इफ्तार कराएगा और उसके लिए मुस्तफ़ा को मुझे छोड़ना था स्कूल, यहाँ से उसका दोस्त उसको पिक करेगा घर का, उनको पता नहीं है घर के एड्रेस का, तो फिर वो यहाँ पे लेने के लिए आएगा। तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, ऐसे मुझे भगा के मम्मा बस जल्दी जल्दी मुझे छोड़ना है, मम्मा मुझे छोड़ना है, तो बस इसको यहाँ पे छोड़ने आई हूँ। भाई वेट कर रहे, अभी तक इसका फ्रेंड तो नहीं पहुंचा। क्या हुआ? नहीं है, नहीं है, कोई भी तो नहीं है यहाँ पे। कह तो रहा था स्कूल आ जाता। कौन सी गाड़ी है पता है? जी कौन सी है? ग्रैंड। डेली एक बंदा कम होता जा रहा है। आज मुस्तफ़ा गया हुआ इफ्तारी पे अपने दोस्त के घर, आज इफ्तारी में सिर्फ हम ही है। वो लेने नहीं आई है? कौन लेने नहीं आई? भाईजान को। भाईजान अभी तक नहीं आया, आपको पता है? वो बिजी है अब। वो अपने फ्रेंड के घर गया हुआ है। अपनी फ्रेंड के साथ रोजा इफ्तार गया? हाँ फ्रेंड के साथ गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह से आज था हमारा 12वां रोजा, खैर से हो गया। मुस्तफ़ा गया हुआ है अपने फ्रेंड्स के घर पर इफ्तार पे। जब हम वहाँ पे स्कूल पहुंचे थे तब तक तो नहीं थे, फिर उनको फोन करके एड्रेस समझा के फिर यहाँ पे उसके दोस्त है, फिर यहाँ से उसको लेकर गए। बाहर वॉक करते हैं थोड़ी देर, अपनी गाड़ी को भी देखते हैं। देखो ये लगे हैं मुस्तफ़ा के इतने सारे, ये तीनों जो है ना शलवार कमीज वाले अलग अलग कलर के सूट लगे हुए हैं। जितना बोला कि रोज अफ्तार पे जा रहे हो तो ये वाला सूट पहनो, नहीं पहन के गया, बस उसको पैंट शर्ट ही पहननी होती। अब देखो गाड़ी नहीं खड़ी हुई तो कितनी ज्यादा खुली जगह लग रही है ना, काफी जगह बड़ी है ना, मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है गाड़ी लगाने में। टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी कल भी लगाई थी। वालेकुम सलाम। ठीक है आप सुनाए, आप कैसी है? कहाँ जा रहे थे वॉक पे? पीछे वाले पार्क। आज हमने सोचा हम भी चलते हैं वॉक पे। गाड़ी पार्किंग नहीं लगाई जा रही अंदर, मुश्किल से देखा था ब्लॉग। गाड़ी देखी है मैंने, कहा सारा ने आज गाड़ी बाहर खड़ी। आए आज चले, मीरा को भी के साथ चलो, मीरा को भी घर ले चलते हैं, चले इनके घर नहीं जाना, इनको अपने घर जाना है, मीरा को हमारे साथ चलना है। हमें फातिमा यहाँ पर लेकर आई है, बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा सा घर है, हमारे घर के बिल्कुल पास वाला घर सेल हो रहा है और देखो कितना प्यारा माशाल्लाह से बना हुआ है। पहले तो मैं यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, इस तरीके का बना हुआ है, बिल्कुल न्यू ब्रांड न्यू घर बना हुआ है सेल करने के लिए। फातिमा बोल रही है इधर ही शिफ्ट हो जाओ, ये वाला घर ले लो। घर है कितना ज्यादा माशाल्लाह प्यारा है ना, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये देखो सारा इसके टाइल्स, यहाँ पर सारा इसका काम इतना अच्छा हुआ हुआ है और घर की एंट्रेंस इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि अभी दिल कर रहा है कि ना इसको लेने के लिए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। अंदर चलते हैं घर को विजिट करने के लिए, हम भी आए हुए हैं कि हो सकता है हमें पसंद आ जाए, दिल कर जाए लेने का। और यहाँ का देखो ये ड्राइंग रूम हो गया और बाकी इस साइड पर जैसे अंदर आओ ये सामने किचन देखो कितना माशाल्लाह प्यारा बना। और अभी आ जाते हैं हम किचन की तरफ, किचन देखो कितना माशाल्लाह से खूबसूरत बना है और इसमें हर एक चीज लगी हुई है, मतलब बस आओ अपने बर्तन ले आओ, सिर्फ यहाँ पर रख के खाना पकाना शुरू कर दो, हर एक चीज फिक्स हुई हुई है इसके अंदर। क्या अच्छा, ये इसकी चूल्हे भी यहाँ पर सेट है और कैबिनेट इसके देखो कितने स्मूथ है ना, खुला ऊपर वाला खुलेगा, इसमें शीशे वाले बर्तन रखेंगे। इसके ना रूम थोड़े से छोटे लग रहे हैं ना, रूम इसके छोटे हैं लेकिन बनाया इतना अच्छा हुआ है। हो गई अलमारियाँ, हो गई साथ की। चलो जी ये वाली कौसर को सबसे ज्यादा ना यहाँ की लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही है और सच में है भी बहुत ज्यादा अच्छी ना। तो चलो अभी ऊपर चलते हैं, मुझे भी ये बहुत प्यारा लग रहा है। देखो अगर हमें किस्तों पे दे देते हैं ना तो फिर हम लेंगे जरूर। चलो अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर की देखो एंट्रेंस कितनी ज्यादा प्यारी है ना यहाँ पे। स्टेयर्स के अंदर लाइटिंग लगी हुई है, इतना अच्छी लग रही है। ऊपर का भी अच्छा अलग ही किचन बना हुआ है,
मतलब इसमें दो फैमिलियां रह सकती हैं, अलग अलग किचन है, दो किचन है इसमें। नहीं ये अभी ऊपर आए ना, ये ऊपर का माशाल्लाह ऊपर बहुत प्यारा बना हुआ है। ऊपर देखो टोटल जैसे नीचे बना हुआ ना, ऊपर वाला उससे भी ज्यादा खूबसूरत बना हुआ है। तो नीचे तुम्हें अच्छी लग रही थी, अब यहाँ की लाइटिंग देखो ये उससे भी ज्यादा प्यारी लग रही है। ये हो गए साथ के इसके रूम, ये भी वैसे नीचे जैसे छोटा सा है। सबके ना घर के डोर इतने ज्यादा प्यारे बने हुए हैं। और ये हो गया साथ में दूसरा रूम, दो दो रूम है ना, दो नीचे थे दो ऊपर है। और ये हो गया इसके साथ का अटैच वॉशरूम, अंदर भी मिरर में हर एक जगह में लाइटिंग कैसे लगी हुई है। हाँ हाँ अच्छा, जैसे इसको खोलो तो लाइट ऑन होती है, लो लाइट भी चली गई माशाल्लाह। अभी तो हमने पूरा घर देखा ही नहीं था, लाइट पहले चली गई है। देखो चलो, जैसे हम यहाँ पर घर देखने के लिए आए, घर तो हमने पूरा देख लिया था, ऊपर वाला जैसे किचन के कैबिनेट देख रहे थे वहीं पे लाइट चली गई है। और अभी हम आए ऊपर छत पे, तो इतनी प्यारी इतनी ठंडी हवा चल रही है ना यहाँ पे सच में। और नीचे ये सारा इस तरीके का ग्रास लगा हुआ है। मैं कौसर यहाँ पर बैठे रहे, फातिमा भी हमारे साथ में थी जो हमारे साथ में नेबर है। कितना अच्छा बना हुआ ना कौसर यहाँ पे, ये अच्छा है। और यहाँ पर अगर लाइट होती ना, ये चारों तरफ से ये यहाँ पे भी लाइट लगी हुई है, और ऊपर ये इस तरीके के लैंप भी लगे हुए हैं। और ये इस तरह से है कि छत के ऊपर ही छोटी सी एक और छत बना दी है बैठने की जगह, शाम की चाय यहाँ पर अगर आकर बैठ के पियो, इतना अच्छा इतना सुकून मिल रहा है, यहाँ से पूरा हमारा सिटी भी दिख रहा है। तो चलो यहाँ पर थोड़ी देर हमने बैठ लिए। ये देखो यहाँ पर पूरे सिटी में लाइट है, एक इसी घर की लाइट गई हुई है। इस घर की लाइट खराब हुई है क्या? ये रहा बीच में पार्क जो हमारे घर के सामने से दिखता है, ये रहा उस साइड पर हमारा घर है, और ये बीच में ना दो या तीन तीन घर छोड़ के फिर ये वाला घर आता है। ये है दरवाजा, यहाँ से हम ऊपर आए, ये पूरी चारों तरफ ना छत है, और छत के ऊपर ये छोटा सा ऐसा बना हुआ है बैठने का। हाँ चलो बस बहुत देर यहाँ पर बैठ लिया, बातें कर लिया, अभी चलते हैं। हाँ रियायत ने इतना ज्यादा वहाँ पे तंग किया ना, वहाँ से आ ही नहीं रही इतना ज्यादा शोर की। और अपनी गाड़ी का भी कुछ करे या पूरी रात बाहर खड़ी रहेगी, अंदर लगाते हैं किसी तरीके से। ये क्या आपने लोग लगाया हुआ था? अच्छा मेरा नोबिता भाईजान नहीं आया अभी तक, आपको पता है कितना देर हो गई है? अब नेक्स्ट टाइम जाना मैं आपको जाने दूंगी, इतने में परेशान हुई हूँ। अरे पर गए थे क्या आप वहाँ पर? इतना टाइम पहले शुरू हो गया था। कहाँ पर खेले हो? वही अपने दोस्त के घर, पहले रोजा खोले, उसके पास भी एक्सबॉक्स था। हमको भी अभी नींद आ गई, बहुत ज्यादा रो रही थी, इसको हमने सुला दिए। थोड़ी देर घर पे आए, आराम किया, चाय पी, अभी जा रही हूँ मैं बाहर। सोचा था कि गाड़ी जैसे बाहर खड़ी ना खड़ी रहने देते, पहले भी कई बार हमने अपनी गाड़ी बाहर खड़ी की है। फिर मेरे दिमाग में एक बार कराची में नुकसान हुआ था ना, हमारी वो सुरेंट होती उसके शीशे तोड़ के लेके चले गए थे, वो तो खैर वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं थी, यहाँ पर सिक्योरिटी है। फिर भी मुझे ये था कि हस्बैंड नहीं है, मुझसे कोई नुकसान ना हो कि मेरे सर पे छोड़ के गए, फिर मैंने बाहर खड़ी कर दी। तो बस इस वजह से गाड़ी की चाबी उठाई, मुश्किल से टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी खड़ी होती है ना गाड़ी को, हम अपने घर पर अंदर ही खड़ा करते हैं, और साथ साथ ना एक राउंड भी लेकर आते हैं। आज जो मम्मा ने घर देखा ना इतना प्यारा, ये सामने वाला, ये पार्क के सामने घर, मुझे भी अच्छा लगा लेकिन छोटा छोटा है, हम अपना बनवाएंगे। सही है गाइस, मैं तो शॉर्ट्स पहन के आ गया हूँ, पर आज मम्मा ने ना अपना नया जोड़ा ही नहीं पहना। हाँ जी, जब से माह रमजान का महीना शुरू है ना, मैं हर दिन नया जोड़ा पहन रही थी। आप बताएं आपने जाना किधर है? आप बताओ कहाँ ले चलोगे? रास्तों का तो आपको रास्तों का मुझे पता है, आप बस बताएं। पिंडी जाना, हम पिंडी भी चले जाएंगे, बस चलें। अभी आपके ऊपर है मम्मा, आप गाड़ी चला रही हैं। लेफ्ट पे जाना है जी, यहाँ सामने, बस सामने जाना है जी। नहीं नहीं बस आपने सीधा जाना है, ब्यूटे नहीं लेना। वहाँ पीछे लोग ऐसे खड़े हुए थे, सीवियो के आगे नहीं खड़े होते हो, सारे एक साथ बाइक पे आए हुए होते, तो सीवियो याद आ गई। ये है हमारा यहाँ का स्ट्रीट फूड, इतना प्यारा सा खूबसूरत सा, इधर हर तरीके की चीज है, मॉडर्न चीज। लेकिन अभी हम पहुँच गए अलफतेह पे, वो अलफतेह तो बड़ा हो गया। ट्राउजर प्लाजा नहीं पता गाड़ी में, आज पार्किंग है, चलो यहाँ पर लगाते हैं। टाइम थोड़ा हो रहा है ना ज्यादा, तो इसलिए चलो लगा ली मम्मा। ओह नाइस पार्किंग मम्मा, चलो थैंक गॉड, सबसे मुश्किल काम
जो पार्किंग का है कि इतने ज्यादा रश में मैं गाड़ी ड्राइव कर पा रही हूँ और साथ साथ पार्किंग भी लगा रही हूँ। टाइम हो गया, मैं अपने साथ बैग नहीं रखती हूँ, मेरे हाथ पे सिर्फ मोबाइल होता है, ऐसे गाड़ी में आकर बैठ जाती हूँ कि गाड़ी में पैसे भी होंगे, हस्बैंड के पास होंगे, कुछ चाय होगा तो ले लूंगी। अभी गाड़ी में पैसे तो थे, अब पैसे देखो ऐसे हाथ में पकड़ के लेकर जा रही हूँ। फिर इतना कुछ ढूंढने के बाद हमें मिला है ये शाइस्ता एंटीक वाला बैग, जिसमें उन्होंने मुझे कॉइन दिया था, तो ये गाड़ी में पड़ा था। छोटा सा है लेकिन ये किसमें पैसे आ जाएंगे ना। फिर भी काम तो देखो आ गया ना। जब तक आपके पापा नहीं आते ना, हम बहुत कुछ सीख जाएंगे मुस्तफा के लिए। आप ये न्यू वाले अलफते में नहीं गए थे? चलिए हम आए अंदर। कल की तरह आज फिर से मुस्तफा को चोकला व बिस्किट नहीं मिले। यहाँ पर ना इतना कुछ देखते देखते हमें कुछ चाहिए तो था नहीं, फिलहाल बैग ही यहाँ पर बहुत अच्छे लग रहे थे। और बैग में दो तीन कलर मैंने देखे हैं बेबी बैग में, एक देखो ये वाला है, एक ये वाला और एक ये। बाकी और भी काफ़ी सारे कलर में पड़े हुए हैं लेकिन दूर से ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। कलर इनकी क्वालिटी ना इतनी अच्छी नहीं है जितना इनकी क्वालिटी अच्छी है। मुझे बताओ ये वाला या वो वाला? ये वाला। अब बस अभी हमने सिर्फ ये एक बैग ही लिया और यहाँ से हम जा रहे हैं वापस। छोटे बेबी के सेक्शन में आ गए थे। इसको ना लेने का नहीं तो देखने का भी बहुत ज्यादा शौक होता है कुछ। देखो हम क्या करने आए थे और बैग लेकर हम वापस जा रहे हैं। और वैसे घर पे ना हर एक चीज पड़ी हुई थी तो हमने कुछ लेने की हमें वैसे जरूरत नहीं पड़ी। और फिर वहाँ पर बेबी बैग अच्छा लग रहा था तो बस वही ले लिया। ये आपकी साइड पर जो अंकल आएंगे ना उनको दे देना। जैसे बिला वजह के हम अंदर चले गए, ऐसे घूमते घूमते के अलफते पे चले जाते हैं, फतेह सामने दिखा। हमने सोचा कुछ खाने पीने के अंदर से उठाएंगे लेकिन अफतारी मैंने की हुई थी पेट भर के। वैसे हम शाम में ना सालन नहीं खाते, नहीं खाया जाता रोटी सालन। आज अफतारी में मैंने सालन रोटी भी खा लिया, पेट मेरा भरा हुआ था। ये अपने दोस्त के घर से अफतारी करके आया था तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और मैं बस देखते देखते ना वहाँ बच्चों वाले सेक्शन में पहुंची, बेबी सेक्शन में बैग प्यारे लग रहे थे तो हमने सोचा चलो बैग ही देख लेते हैं। यहाँ से लेफ्ट ऊपर जाना है रास्ता। गाइस आज मैं ना फुल ट्रैफिक भरे रोड पे, इतना ज्यादा ट्रैफिक था और मम्मा ने उसके अंदर इतने अच्छे से गाड़ी चलाई है ना, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। लेकिन आज मम्मा को ट्रक वगैरह या ना किसी का डर नहीं लगा। मैं ट्रक के पास से भी गुजरते थे ना, मुझे ऐसा डर लगता था इसे दूर रखो, गाड़ी से दूर रखो, मैं बहुत डरती थी ट्रक को। अभी कौन सी साइड पे जाना जल्दी बताओ। अभी यहाँ सामने सामने मम्मा पहुँच गई घर। अब आपको सबसे मुश्किल टास्क अब आपका आ गया है, सबके अंदर गाड़ी खड़ी कर दी। हाँ जी ये रही अब गाड़ी, अब देखते हैं मम्मा ने कैसी पार्किंग करनी है। बस अब थोड़ा आगे लेके आए। आने दे थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, बस अब आने दे, आने दे, आने दे, और भी बस बस आने दे, आने दे, आ जाए, बहुत जगह है अभी, बहुत जगह, बहुत जगह है, आने दे, आने दे, आने दे, बस जी। गाड़ी सीधी है, गाड़ी इधर सीधी है। ओ गाइस ओ नो, यहाँ से सीधी नहीं है, बताओ सीधी है गाड़ी आज? फिर भी कल से बेहतर है, आज थोड़ी सी यूं है, साइड से तो सीधे है ना, व्हील तो सीधे आज सीधे या टेढ़ा करके खड़ी कर दे ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये कर दिया नहीं काफी है दरवाजा बंद। मम्मा तो आपने बड़ी जबरदस्त पार्किंग कर दी, सीधी आज यहाँ से थोड़ी सी टेढ़ी है नहीं, कल मालूम टेढ़ी पेढ़ी लगाई थी। कल फिर भी मम्मा को टाइम लग गया था अंदर, बार बार रिवर्स आगे पीछे कर रही थी, आज एक ही बारी में, आज एक ही बारी में आके लगा दिया, पापा वाला चीज किया। तैयबा है, जाग रही हो? सो गई थी, हम तुम्हारे बेबी का बैग लेकर आ गए। घूमते घूमते वहां अच्छा लग रहा था, फिर बेबी का बैग ले आए। तो मैंने कहा चलो आज ये मुस्तफा ने पसंद किया, छोटा है पता नहीं बड़ा है कैसे है, मैंने कहा मुझे अच्छा लगा है। सही है इधर ही, मैंने कहा गाड़ी ना वापस आकर अंदर लगाते हैं। फिर मैंने कहा थोड़ा सा चक्कर लगा, थोड़ा आगे गए, फिर मुस्तफा ने कहा मुझे कोल्ड ड्रिंक लेनी है, अंदर गए कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, फिर ये सामने बैग दिख गया, मैंने कहा ये तो काम की चीज है ये ले लेते हैं। इसमें एक छोटा बैग भी आ रहा है, ये जैसे हमारे घर तक आना या फिर अपने साथ ना बिस्तर जैसे साथ में रखो, बेड पे ये वाले साथ में, इसके डायपर चीजें इसमें बना के रखना, और जैसे दूर थोड़ा सा जाए फिर ये बड़ा बैग उठाना, ये साथ में छोटा, इसके फीडर ये छोटी छोटी चीजें इसमें आ जाएंगी। और इसके अलावा देखो ये एक ये भी है, ये फीडर का है, गिफ्ट मुस्तफा का। हाँ मुस्तफा की तरफ से पहला पहला गिफ्ट आ गया। आएगा ना जब वो बड़ा होगा, उसकी कोई छेवी बर्थडे पे मैं फिर उसे कुछ, अच्छा छेवी बर्थडे पे दोगे उसको? फिफ्थ बर्थडे पे ऐसे ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जैसे। अच्छा पहले अभी उसका 6 साल होने तक का हम इंतजार करेंगे।
सिरिलैक देगा, ठीक है। आप ना दूध सिरिलैक, एक चम्मच दे दूंगा और एक जो यहाँ पे पहनते हैं ताकि बहुत जैसे उसकी थूके निकलती रहेंगी। चलो यहाँ पर बैठे हम काफी देर, हमने किए बातें और इसी के साथ जो है ना अभी मैं जा रही हूँ ऊपर। सर नीचे होती है और मैं होती हूँ ऊपर ना, ये नीचे से होती है और मैं ऊपर। मुझे ख्याल आता है कि बस अल्लाह खैर करे एक दो दिन जो है ना हमारे सही से गुजर जाए। मुझे टेंशन होती है कि साजिद घर पे नहीं और इमरजेंसी हमें जाना ना पड़े। कौसर की जिम्मेदारी अनीता को दी हुई है कि कुछ भी हो फौरन आना है मेरे पास बताने के लिए, ठीक है। चलो फिर ख्याल रखना। चलो मुस्तफा ऊपर चलो ना, बहुत टाइम हो गया है, आते गेमों पे बैठ गया है। आज तो पूरा दिन मैं यहाँ पे भी नहीं है। गई मैं अपने झूले पे, यहाँ कर मुझे सुकून मिलता है। अंदर ना मेरा दम घुट रहा था, जीप से तबियत हो रही थी। इसी के साथ ब्लॉग भी एंड करती हूँ और साथ साथ आपको ये बताऊँ जो मैंने आज घर देखा ना, ये घर मैं नहीं खरीदूंगी क्योंकि हमारे नेबर ने मुझे घर दिखाया कि आप देख लो बहुत खूबसूरत बना हुआ है, आपने जैसे ड्रीम हाउस बनवाना है उस पर इतना खर्च करोगी तो इसी पर ही खर्च करके एक जगह पर बैठ जाओ। तो मैंने सोचा चलो देख लेते, अगर इतना अच्छा बना हुआ हो सकता है दिल आ जाए और इसको खरीद ले। घर बहुत अच्छा बना, बहुत खूबसूरत, जैसे रूम के डोर, किचन के कैबिनेट और लाइटिंग से हर एक चीज परफेक्ट थी। जैसे ये जिस घर में मैं अभी हूँ ना, ये भी 7 मरले का, वो भी सेम 7 है या 7.5 होगा। तो उसका क्या है कि वो बहुत खूबसूरत है लेकिन घर छोटा है। तो ड्रीम हाउस मुझे ऐसा बनवाना है जहाँ पर आराम से हमारी 2 गाड़ियां पार्क हो सके और साथ में हमारा गार्डन हो और अपनी मर्जी से खुले बड़े रूम भी हुए। इसके ना रूम छोटे थे, क्योंकि ड्रीम हाउस एक ही दफा बनता है और मैं एक ही दफा बनवाऊंगी। अपने मुस्तफा का एक अलग पूरा वो होगा, पोर्शन होगा, कल को उसकी शादी करूंगी तो मैं बार बार घर नहीं बदलू ना, अभी एक ही दफा बनेगा जो भी बनेगा। तो इस उस हिसाब से मैंने बनवाना है, मैंने अपनी बेटियों के रूम बनवाने हैं, तैयबायत का रूम बनवाना है, कल को इनकी शादी होती है, वापस भी आएंगी ना तो अपने अपने इनके रूम होने चाहिए। मेरा होगा उसमें अम्मी का रूम होगा, तो हम सब के ना अलग अलग रूम बनेंगे। उसके साथ बड़ी बात के गार्डन होगा जहाँ पर ऐसे मैं फूल लगवाऊंगी और ऐसा एक बड़ा सा झूला भी लगवाएंगे ना सब्जियों के लिए, सब्जियों के लिए अलग जगह होगी, फूलों के लिए अलग होगी। तो वो एक हमारा ड्रीम हाउस होगा, उसको हम बड़ा सा बनवाएंगे। उस हिसाब से ये वाला घर छोटा है, बार बार घर नहीं बदले जाते। इस घर को भी जब मैंने बदला है ना, इतना मुश्किल से सेट होता है फर्नीचर, चीजें कितना महीने लग जाते हैं ना चीजें बना के रखने में। प्यार आ रहा है, क्यों इधर बैठो मेरे साथ, बैठो, क्यों मेरे ऊपर इतना प्यार आ रहा है, सच्ची सच्ची बताना। साथ हम करते हैं अपना व्लॉग एंड, उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक कर देना और कल मिलेंगे। और हाँ मुस्तफा, कल जो आपने मेरी झूले वाली रील बनाई थी आपको पता है 1 मिलियन क्रॉस कर गई है, उसका तो क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। हाँ वो रील मुन्ने ने बनाई थी, मैं से झूले में बैठी थी तो उसी क्रेडिट में मुझे क्या मिलेगा, उस क्रेडिट में कुछ भी नहीं। आपकी आदत है हर एक चीज में कहते मुझे क्या मिलेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय। आज हमारे यहाँ से चांद नहीं दिख रहा, चांद पता नहीं कौन से सेट पे चला गया, आज चांद हमारा कहाँ छुप गया, यहाँ से तो डेली दिखता है।